चलिए एक बड़ी खबर आपको बताएं, अब शिक्षक बनने के लिए पास करनी होगी टेट परीक्षा। एनसीटीई ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को जारी किया आदेश, कक्षा 1 से लेकर 12 तक के शिक्षक बनने के लिए अब टेट अनिवार्य कर दिया गया है। ये बड़ी खबर, और जो लोग अपना करियर एजुकेशन डिपार्टमेंट में बनाना चाहते हैं उनके लिए ये बड़ी खबर है। कक्षा 1 से लेकर 12 तक के शिक्षक बनने के लिए अब टेट अनिवार्य होगा। अब शिक्षक बनने के लिए पास करनी होगी टेट परीक्षा। एनसीटीई ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को आदेश जारी किए हैं। कक्षा 1 से 12वीं तक के शिक्षक बनने के लिए टेट अनिवार्य कर दिया गया है। शिक्षक बनने के लिए टेट परीक्षा पास करना अब अनिवार्य होगा। तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर है, और देखना ये बेहद महत्वपूर्ण कि इसके बाद किस तरीके से चीजें बदलेंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं पहले ये अनिवार्यता नहीं थी, लेकिन इसको अनिवार्य किया गया है। कक्षा 1 से लेकर 12 तक के शिक्षक बनने के लिए टेट अनिवार्य। अब शिक्षक अगर आप बनना चाहते तो उसके लिए आपको टेट की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी, पास करनी होगी। और वो भी आप देखिए, कुछ पर्टिकुलर क्लासेस को नहीं बल्कि 1 से लेकर 12 इसमें रखा गया है। ये एनसीटीई ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को यह आदेश जारी किए हैं। और भारत दीक्षित हमारे सहयोगी, ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। भारत, ये बड़ी खबर आ रही है, किस तरीके से अब चीजें बदल जाएंगी इसके बाद? देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से आपको बता दें खुशबू, एक बड़ा डिसीजन यहाँ पर एनसीटी की ओर से किया गया है कि अब कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के अगर किसी को शिक्षक बनना तो उसको सबसे पहले टेट परीक्षा यानी कि टीचर एबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट को यहाँ पर पास करना होगा, उसके बाद ही वो शिक्षक है वो यहाँ पर बन पाएगा। तो एक बड़ी खबर एनसीटी की ओर से जारी है, और इसमें तमाम जितने भी राज्य हैं उसके साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको ये आदेश है वो जारी की गए। इसके बाद निश्चित रूप से अब शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा है और वो इसको आदेश को लेकर वर्कआउट वो यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे, और काफी इफेक्टिव ये चीज होगी क्योंकि रीट भर्ती परीक्षा की तैयारी है वो यहाँ पर चल रही है, उसकी डेट भी यहाँ पर फाइनल हो गई है। ऐसे में अब एनसीटी की ओर से एक नई गाइडलाइंस आई है जिसमें से टेट परीक्षा उत्तीर्ण करना बेहद अनिवार्य है टीचरों के लिए रहेगा। तो कई स्टूडेंट्सों के लिए खुशखबरी भी रहेगी क्योंकि कई पहले से भी टेट परीक्षा चलती लेकिन बीच में परीक्षाएं वो यहाँ पर बंद हो गई है, लेकिन अब नए सिरे से जब परीक्षा शुरू होगी तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्सों के लिए परेशानी हो सकती है। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं भारत जैसा कि आप बता रहे जो रीट भर्ती परीक्षा है उस पर भी असर पड़ेगा, तो जिन्होंने अब टेट की परीक्षा पास नहीं किए उनके लिए दिक्कतें भी हो सकती है आने वाले समय में। फिर देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से जिस प्रकार से एनसीटी की ओर से स्टेट गवर्नमेंट्स को और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश को वो आदेश यहाँ पर जारी किए, लेकिन जिस प्रकार का आदेश जारी किया गया उसमें स्टेट गवर्नमेंट्स को किस तरह का डिसीजन देना है वो अभी शिक्षा मंत्री और सरकार के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि रीट भर्ती परीक्षा की लंबे अरसे से लोग तैयारी कर रहे थे, अचानक से जब टेट परीक्षा को पास करने की बात आई तो कन्फ्यूजन यहाँ पर क्रिएट होगा। और इसके साथ साथ जिस प्रकार से टेट जो परीक्षा आगामी दिनों में आयोजित की जाएगी, जैसे कि एनसीटी की जो नए आदेश आए तो उसका क्या फॉर्मेट रहेगा, तो वो भी एक चिंता का विषय स्टूडेंट्सों के लिए देखा जा रहा है। जी